समझेंगे लैंग्वेज लर्निंग, हमने समझा लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अधिग्रहण, और अब हम समझेंगे लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम। ठीक है, तो अधिगम क्या है ये समझेंगे, अधिग्रहण क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है वो हमने समझा। व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न्ड इन ए सिस्टमैटिक वे इट इज नोन एज लर्निंग। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, सिस्टमैटिक तरीका अपनाते हैं, ग्रामर का रूल पढ़ते हैं, रूल रेगुलेशन करके उसको रोज प्रैक्टिस करके प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है लर्निंग। लर्निंग ए लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, उसमें सारे प्रोसेस होते हैं, लिखना, प्रैक्टिस करना, ग्रामर का रूल पढ़ना, उसमें सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, लर्निंग इज डन विद द यूज ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस। लर्निंग में क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है और अपने स्किल का यूज भी करना पड़ता है। लर्निंग कंसस प्रोसेस एंड लर्निंग इज कंसस प्रोसेस एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर एनवायरनमेंट। लर्निंग मोर इफेक्टिव होगा, ज्यादा प्रभावशाली होगा, कब, जब ये मीनिंगफुल सिचुएशन में किया जाएगा और फैमिलियर एनवायरनमेंट में किया जाएगा। अगर हमें अच्छा माहौल मिलेगा तो लर्निंग ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और अगर कोई बच्चे को आप पूरा फ्री छोड़ेंगे कि तुम लोग आपस में बात करो, गलत सलत बोलो, जैसे बोलो, तो वो जल्दी सीखेगा। और अगर हर बात पे उसे डर रहेगा कि गलत बोलने पे कोई मुझे टोकेगा, गलत बोलने पे कोई मुझे बोलेगा, तो फिर वो नहीं सीखेगा। ठीक है, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट्स आर ए प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग की जो पहली शर्त है, पहली शर्त ये है कि इनपुट रिच एनवायरनमेंट मिले, मतलब उसको चारों तरफ, अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो चारों तरफ से उसको इंग्लिश सीख सुनने का मौका दीजिए। ठीक है, वो चारों तरफ से इंग्लिश सुनेगा, हर अपने आसपास, उसके आसपास जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, उसको इंग्लिश सुनते हुए, बातचीत करते हुए देख रहा है, तो वो इंग्लिश जल्दी सीखेगा। लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नोन एज रोट लर्निंग। अगर बिना इंटरेस्ट के लर्निंग होगा तो उसको क्या कहेंगे, रोट लर्निंग कहेंगे, और रोट लर्निंग जहाँ भी आ जाए वो एक गलत चीज होता है। तो ये लर्निंग हमने समझ लिया, लर्निंग क्या है, प्रैक्टिस के साथ होता है, एक्विजिशन क्या है, नेचुरली होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की काफी फेमस आदमी है, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये कॉग्निटिविस्ट है और इनेटिस्ट है। इनेटिस्ट उनको कहते हैं जो जन्मजात क्षमता पर विश्वास करते हैं। ठीक है, नोम चॉम्स्की के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और इन्होंने क्या कहा है कि ह्यूमन ब्रेन में जो है, ह्यूमन ब्रेन में LAD होता है, LAD होता है लैंग्वेज एक्यूजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्यूजिशन डिवाइस। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि LAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा LAD का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो नोम चॉम्स्की ने कहा कि हमारे ब्रेन में जो है, ह्यूमन ब्रेन में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, LAD होता है, ये कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है, ये कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है कि आप ह्यूमन ब्रेन को खोलेंगे, ऑपरेशन करके निकालेंगे तो उससे LAD निकलेगा। ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, कल्पना में ही है। ठीक है, हाइपोथेटिकल है, परिकल्पना में है कि हमारे ब्रेन में एक LAD होता है जो क्या करता है, भाषा को एक्वायर कर लेता है। किसी भी भाषा को अगर हम एक्वायर करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जो भी भाषा, अगर हम उसको एक्वायर करते हैं तो किसके कारण करते हैं, LED के अनुसार। और इस बात को कौन कहता है, इस बात को कहता है नोम चॉम्स्की। ठीक है, और इनका कहना है कि ये LED जो है ये 2 से 5 साल तक ज्यादा काम करता है, 2 से 5 साल तक LED काफी स्ट्रोंग होता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर होता है, ऐसा नहीं कि फिर खत्म हो जाता है, धीरे धीरे थोड़ा उसका पावर कम होता है, धीरे 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 वो कमजोर होता है। अब देखिए, अगर आप 5 साल तक के बच्चे को, 2 से 5 साल तक के बच्चे को किसी नए जगह में छोड़ेंगे तो वो बहुत जल्दी, काफी जल्दी उस नए लैंग्वेज को सीख लेगा। उसके बाद 10 साल के बच्चे को छोड़ेंगे तो उसको उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, 15 साल के बच्चे को छोड़ेंगे तो उससे ज्यादा, और 50 साल के आदमी को छोड़ेंगे तो उसे काफी टाइम लगेगा एक्वायर करने में। ठीक है, क्योंकि LED सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है 2 से 5 साल तक में। इतना बात क्लियर हो गया। अब
इनेट एबिलिटी क्या है? जन्मजात क्षमता, जन्मजात क्षमता। नोम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चा जो है वो भाषा को क्यों एक्वायर कर लेता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो है वो इनेट एबिलिटी होता है भाषा को एक्वायर करने की, ठीक है, जन्मजात क्षमता होती है। अब हम समझेंगे एक और वर्ड, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। अब कोई बच्चा चाहे वो अपनी मातृभाषा सीख रहा है, चाहे वो इंग्लिश सीख रहा है, चाहे वो कुछ भी सीख रहा है, मतलब जो उसके माहौल में है उसको वो एक्वायर कर ले रहा है, तो कैसे? वो तो ग्रामर का बुक नहीं पढ़ रहा है। ग्रामर का जब हम लोग मातृभाषा सीखते हैं या हिंदी सीखते हैं घर में बोलने के लिए, जो स्कूल में पढ़ते हैं वो अलग, घर में जो हम लोग बोलने के लिए सीखते हैं तो उसके लिए हम लोग किसी ग्रामर की बुक नहीं पढ़ते, किसी ग्रामर के रूल को नहीं पढ़ते, लेकिन हम लोग बोल लेते हैं और बच्चा सही बोल लेता है, उल्टा पुल्टा नहीं बोलता है। ग्रामेटिकली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वो पढ़ता नहीं है कि पहले सब्जेक्ट होगा फिर ऑब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा, ऐसा कुछ पढ़ता नहीं है, लेकिन वो सही बोल लेता है। कैसे? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो दिमाग क्या करता है, जेनरेट कर लेता है ग्रामर रूल को, ठीक है, ग्रामर रूल को जेनरेट कर लेता है, उसको समझ में आता है कि ऐसे ही बोलना है, बिना ग्रामर पढ़े उसको समझ में आ जाता है कि ऐसे ही बोलना है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। एक पॉइंट और क्लियर करना है, क्रिटिकल पीरियड और सेंसिटिव पीरियड। तो 2 से 5 साल तक का जो टाइम है, 2 से 5 साल तक का टाइम, या इसको कहीं कहीं पे आपको 2 से 6 मिलेगा, जिसको आप लोग अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। ये क्या होता है, ये भाषा सीखने के लिए इसको क्रिटिकल पीरियड माना जाता है या सेंसिटिव पीरियड उसी को बोलते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेंसिटिव पीरियड किसको कहते हैं या क्रिटिकल पीरियड किसको कहते हैं, तो उसका आंसर होगा द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम, वैसा पीरियड जिसमें कि भाषा बहुत आसानी से एक्वायर किया जा सकता है, ग्रेटर ईज मतलब बहुत आसानी से, तो वैसा पीरियड मतलब वैसा समय अवधि जिसमें भाषा को आप जो है बहुत आसानी से एक्वायर कर सकते हैं, उसी को कहते हैं क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड। यहाँ तक क्लियर है? अब एक्विजिशन और लर्निंग में थोड़ा हम लोग अंतर समझेंगे। एक्विजिशन क्या होता है, अधिग्रहण क्या होता है, सबकॉन्शस होता है, आपको पता नहीं होता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, वो अपने आप हो जाता है। और लर्निंग क्या होता है, कंसस और डेलिब्रेट, आपको पता होता है, आप प्रैक्टिस करते हैं, रूल याद करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, डेलिब्रेशन के साथ लर्निंग होता है। और ये क्या है, एक्विजिशन क्या है, प्रायः मदर टंग का ही लोग एक्विजिशन करता है और ऑटोमेटिक होता है। और लर्निंग क्या होता है, लर्निंग अक्सर सेकेंड लैंग्वेज का लोग करता है, जो घर में नहीं बोली जाती, जिसके लिए रूल याद होता है। और कुछ चीजें हैं जो समझेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है, बीएड में हम लोगों ने पढ़ा होगा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ के पढ़ाना, बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ जोड़कर पढ़ाना। अब देखो यह है इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, एकीकृत का भी यही मतलब होता है, 2 से 3 विषय को एक साथ जोड़ के पढ़ाना या बहुत सारे विषय को जोड़ के पढ़ाना। तो कैसे जोड़ के पढ़ाते हैं, मान लो इंग्लिश का क्लास चल रहा है, इंग्लिश की बुक है और उसमें हम पढ़ा रहे हैं कोई भी ऐसा चीज पढ़ा रहे हैं, जैसे कि उसमें हम पढ़ा रहे हैं हिमालय के बारे में, हिमालय के बारे में, तो क्या हुआ, ज्योग्राफी और इंग्लिश को जोड़ के पढ़ा दिए, ठीक। अब मान लो हिंदी है और हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में, तो क्या हुआ, हिंदी और इतिहास को जोड़कर पढ़ा दिए, ये तो इतिहास है, तो हिंदी और इतिहास को जोड़ के पढ़ा दिए, तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच या मल्टीडिसिप्लिनरी, ठीक है। एक टर्म और समझेंगे, एलएसी, एलएसी क्या होता है,
लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है कि LAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको याद रखना है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट में क्या है, लैंग्वेज है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ेंगे, या तो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू या हिंदी लैंग्वेज के थ्रू। अगर हम साइंस पढ़ेंगे या मैथ पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो उसको किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ेंगे, या तो हिंदी लैंग्वेज के थ्रू पढ़े या इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू पढ़े या जिस भी किसी लैंग्वेज के थ्रू पढ़ेंगे तो किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू ही ना। उसी को कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, मतलब सारे पूरे पूरे करिकुलम में लैंग्वेज है। बिना लैंग्वेज के हम किसी सब्जेक्ट को कैसे सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए ये सब बता रहे हैं, ठीक है। सीटेट में जो पूछता है, बस सीटेट के पॉइंट ऑफ बेसिस पे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा उसके बाहर हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। जितना भी चीज पढ़ेंगे एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन आता है सीटेट में, ठीक है। ग्लोबल लैंग्वेज है और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ये इस तीनों को अच्छे से समझेंगे कि ये सेकेंड लैंग्वेज क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज क्या है और ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो 1963 में एक एक्ट पास हुआ। एक्ट कैसे पास होता है, संसद में पास होता है। तो 1963 में एक एक्ट पास हुआ, अधिनियम, जिसको राजभाषा अधिनियम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963। इसी एक्ट के तहत हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो याद रखिएगा, हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ठीक है। हिंदी है जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, और कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा, और इंग्लिश क्या, इसी एक्ट के तहत, उसके लिए अलग से एक्ट नहीं है, इसी एक्ट के तहत इंग्लिश है हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इसी एक्ट के तहत। ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इंग्लिश जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है किस एक्ट के तहत, और उसमें ऑप्शन में दे देता है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कोई एक्ट नहीं है, एक्ट यही है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इसी के तहत हिंदी है राजभाषा और इंग्लिश है सहायक राजभाषा, ठीक। अब हम समझेंगे सेकेंड लैंग्वेज और एसोसिएट लैंग्वेज। तो हमारा जो NCERT 2005 है, उसमें एक टॉपिक है, जिस हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ पर जो हेडिंग है, हेडिंग का नाम है सेकेंड लैंग्वेज। उस हेडिंग के अंदर ये लिखा हुआ है, उस हेडिंग के अंदर ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू NCERT 2005, इंग्लिश इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। मतलब भारत जैसे बहुभाषी देश में इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश क्या है, कौन लैंग्वेज है, तो इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज। अगर पूछेगा कि भारत जैसे बहुभाषी देश में, मतलब मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंग्लिश क्या है, तब आप कहेंगे ग्लोबल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इंग्लिश क्या है, तो वो सेकेंड लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया में इंग्लिश क्या है, तो आप कहेंगे ग्लोबल लैंग्वेज। इस तरह से क्वेश्चन आता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ग्लोबल इसलिए है क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा भाषा है यहाँ पर भारत में, जिसमें कि पूरे के पूरे हर स्टेट के लोग समझ सकते हैं, या जैसे
हर जगह, चाहे वो आप एकदम केरल चले जाइए, लास्ट नीचे तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते हैं, ठीक है। कश्मीर है एक तरफ में, एक तरफ में वहाँ तमिलनाडु है, एक तरफ में इधर गुजरात है और एक तरफ में इधर आसाम है। तो इंग्लिश क्या है, ग्लोबल है, हर जगह के लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, तो इसीलिए इंग्लिश को कहा गया ग्लोबल लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज, ठीक। तो होप कि आपको ये इंग्लिश पेडागोजी का पहला चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, कहीं पर कुछ भी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।